में आज हम बात करेंगे भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की निकली वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, कौन सी वैकेंसी है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड बात करते हैं जो कि हमारी वैकेंसी निकली है। यह फ्रेंड ये वैकेंसी इससे पहले भी आई थी, ठीक है, जो किसी कारणवश जो आपकी अप्लाई यानी नोटिफिकेशन तो आया पर किसी कारणवश यहाँ पर इनके लिए आप आवेदन नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफर टू IMU एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दे रखा है, 15/2/2020 को आया था, पब्लिश एम्प्लॉयमेंट नंबर इन न्यूज 15/21/2020 को आया था। किसी कारणवश ये आपकी आप आवेदन नहीं कर पाए, ठीक है। तो अब ये आपके लिए वैकेंसी फिर से ओपन की गई है, जो आप दे सकते हैं असिस्टेंट फाइनेंस असिस्टेंट की है, यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। लेवल 4 की आपकी सैलरी देखने को मिल जाएगी, 25 से लेकर 81 हज़ार है, ठीक है। असिस्टेंट फाइनेंस एज लिमिट दे रखे 35 दे रखा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद आपका मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड इन कॉमर्स इन मैथमेटिक्स स्टैटिक्स। डिजायरेबल नॉलेज आपका क्वालिफिकेशन वर्किंग नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन आपकी टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। असिस्टेंट एज की यहाँ लिमिट देंगे 35 देंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स होने से इक्विवेलेंट ग्रेड। डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन आपका टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 दिन के अंदर आपको उसका आवेदन करना है। ऑल द एंट्रीज पब्लिश द ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट डेट आपको 15/2/2020 में आई थी जो कि अनचेंज है। तो उसका आपका जो नोटिफिकेशन है ये रहा आपका पुराना, ठीक है। इसका भी लिंक मैं दे दूंगा जिससे आप चेक कर सकते हैं। 6 पेज का आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे 120 120 के जो कि उन्होंने पुराने वाले पे दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फीस रहेगी यहाँ पे आप देख सकते हैं 800 रुपये SC ST कैंडिडेट के, 1200 रुपये ऑल अदर कैंडिडेट के लिए रहेगी असिस्टेंट और फाइनेंस की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन फी विल बी ऑनलाइन, यहाँ पे देख सकते हैं आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी नीचे। असिस्टेंट के लिए देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस है, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, एलिमेंट इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। असिस्टेंट की जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड कॉमर्स टैक्सेशन एंड एलिमेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन सेंटर है जो एग्जाम 12 सिटीज हैं यहाँ पे आपको चेक करने को मिल जाएंगे। आपको 3 चुनने को दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 मिनट पहले आपको वह पहुँचना है, ठीक है। तो उसके बाकी देख सकते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बारे में देखा है, ठीक है। कैंडिडेट शुड बी ब्रिंग ऑल द सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए फोटोकॉपी, ठीक है। यहाँ पे आपको जानकारी दे रही है उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया जो आपकी वैकेंसी निकली उसके बारे में। अगर फ्रेंड यह वीडियो पसंद आया है प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े, मैं आप लोगों के लिए डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।